आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का वितरण दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ग्राफ से निकाल लेते हैं कि 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ से कि 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले 40 से 50 के बीच में 142 व्यक्ति है, प्लस 30 से 40 के बीच में 110 व्यक्ति है, 20 से 30 के बीच में 78 विद्यार्थी हैं, प्लस 10 से 20 के बीच में 45 विद्यार्थी हैं। अब हमने देखा कि हमें बस 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ से 50 से 60 वालों को नहीं लिया, 50 से कम वालों को ही लिया। अब हम इन सबको जोड़ देते तो हमारे पास 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, जो कि इन सबको जोड़ने पर हमें 142 प्लस 110 प्लस 78 प्लस 45 को जोड़ने पर हमें 50 से कम वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, जो कि 375 होगी। अब हम निकालते हैं यहाँ से कि 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें क्या निकालना है, 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अब हम यहां से देखते हैं ग्राफ में, तो हम देखते हैं कि 60 या इस बार हमें 60 भी लेना है, 60 या इससे अधिक। तो हम 60 से 70 के बीच में देखते हैं कि 120 विद्यार्थी हैं, 70 से 80 के बीच में देखते हैं कि 100 विद्यार्थी हैं, और 80 से 90 के बीच में देखते हैं कि 80 विद्यार्थी हैं, और 80 से 100 के बीच में देखते हैं कि 55 विद्यार्थी हैं। तो ये सब हमारे 60 से अधिक वाले विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले 60 से 70 के बीच में 120 विद्यार्थी थे, प्लस 70 से 80 के बीच में 100 विद्यार्थी थे, फिर 70 से 80 के बीच में हमारे पास 80 विद्यार्थी थे, और फिर 80 से फिर 90 से 100 के बीच में हमारे पास कितने विद्यार्थी थे, 55 विद्यार्थी थे। तो ये हमारे पास वो विद्यार्थी है जो 60 अंक या इससे अधिक अंक वाले विद्यार्थी हैं। तो हम इन सबको जोड़ते हैं तो 120 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 55 ये टोटल हो जाएंगे 355। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमें इनका कितने अधिक है इसका परसेंटेज निकालना है। तो 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 375, और 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 355। तो इन 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कितने अधिक हैं, तो 375 माइनस 355 कर देंगे भागित 355। तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि कितने विद्यार्थी ज़्यादा हैं। तो बराबर 375 में से 355 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 20 अपॉन 355
यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। अब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 71। तो हमारा वैल्यू क्या है, 400/71। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 71 को 4 से काटेंगे तो समथिंग 5.6 के समथिंग हम आएगा। और यही हमें पूछा गया था कि कितने परसेंट 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 60 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये 5.6% अधिक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया भी गया है 5.6, और यही हमारा उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।